और अब खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में दो वायुसेना के विमान क्रैश हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक वायुसेना के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 आपस में टकरा गए। हादसे में घायल पायलट का रेस्क्यू किया गया है। तो आज कुल मिलाकर 3 वायुसेना के प्लेन क्रैश हुए, हादसे का शिकार हुए। अब ये खबर, पहले आपने भरतपुर की देखी थी, अब मध्य प्रदेश की खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में दो वायुसेना के विमान क्रैश हो गए। मिली जानकारी के अनुसार वायुसेना के दो फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 आपस में टकरा गए, जिस वजह से यह हादसा हो गया। हादसे में घायल पायलट को रेस्क्यू भी किया गया है। वही हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है और उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर अत्यंत दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन को त्वरित बचाव एवं राहत कार्य में वायुसेना के सहयोग के निर्देश दे दिए हैं। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से कामना भी की है। तो ये वायुसेना ने मुरैना विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। वायुसेना ने बता दें कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए हैं। जानकारी ऐसी है कि मिराज में एक पायलट सवार था, वहीं सुखोई में दो पायलट सवार थे। वहीं इस हादसे को लेकर वायुसेना चीफ के संपर्क में रक्षा मंत्री हैं। वहीं साथ ही सीडीएस से भी रक्षा मंत्री ने जानकारी मांगी है। वहीं सीडीएस अनिल चौहान ने हादसे की जानकारी ली। वायुसेना ने पीएमओ को हादसे की जानकारी दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये दो विमान मुरैना में हादसे का शिकार हुए, आपस में भिड़ गए, जिसमें आपने देखा कि पहले भरतपुर में एक विमान हादसे का शिकार हुआ, वहां पर दर्दनाक मंजर देखने को मिला। एक बड़ा हादसा होने से हालांकि टल गया, कोई जनहानि की कोई खबर नहीं, लेकिन जिस तरह से ये मुरैना में हादसा हुआ है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। हालांकि जांच के आदेश दिए गए हैं, सीडीएस समेत रक्षा मंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में शोक भी व्यक्त किया है। हम पहुंचे हैं इस समय ग्राउंड जीरो, जहां आपको दिखाएंगे किस तरीके से विमान हादसा हुआ है, जहां सुखोई और मिराज में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद जो सुखोई है उसके अवशेष आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पड़े हैं। दो जगह, दो हिस्सों में ये बट गया था। दो हिस्सों में सुखोई के जो अवशेष हैं पूरे पहाड़गढ़ के जंगलों में जगह जगह दिखाई देंगे, जगह जगह इसके जो अवशेष है वो लगातार दिखाई दे। मिराज था, मिराज से भिड़ंत हुई, मिराज यहां से उड़ने के बाद वो भरतपुर पहुंच गया है। आग का गोला बनकर वो भरतपुर जाकर वहां उसकी प्रेजेंस है वो देखी गई है। एयर लिफ्ट करा के दो जो को पायलट है उनको यहाँ से एयर विमान से एयर लिफ्ट करा के एयर एम्बुलेंस से यहाँ से ग्वालियर एयरवेज है वहां ले जाया गया है। वहां पर उनका इलाज जारी है, दोनों ही गंभीर हालत में। तीसरा जो जो पायलट है उसको देखने का प्रयास है, ढूंढने का प्रयास है, लगातार सेना और स्थानीय पुलिस यहाँ कर रही है। सेना के आला अधिकारी मौके पर है, मुरैना जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, वो यहाँ मौके पर है। लगातार वो जो ब्लैक बॉक्स है उसको देखने का प्रयास कर रही है, आखिर जानने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा किन कारणों से यह हादसा हुआ और इनके क्या रीजन थे, कितना बड़ा यह हादसा था। ये सारा खुलासा जब प्रेस रिलीज होगा तब जाकर पता चल सकेगा। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में दो बड़ी अनहोनी हो गई। दोनों ही राज्य में वायुसेना के विमान क्रैश हो गए। इस हादसे के वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी को भी हादसे की जानकारी दी गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक के बाद एक दो बड़े हादसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारतीय वायुसेना के दो और राजस्थान के भरतपुर में एक विमान क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें हैं मुरैना में हादसे का शिकार हुए वायुसेना के विमान की। इस हादसे में सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इन विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से टेक ऑफ किया था। सूत्रों के मुताबिक दो पायलट घायल हुए हैं, दोनों को सुरक्षित बचाया गया है। वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख और सीडीएस के संपर्क में है। पीएम मोदी को भी जानकारी दी गई है। तो वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए हैं। गनीमत ये रही कि विमान एक गांव के पास खाली जमीन में क्रैश हुआ है। अगर ये विमान गांव के ऊपर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस विमान ने आगरा एयरबेस से उड़ान भरी थी।
अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10:15 के आसपास नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। खबर धनबाद से आ रही है। धनबाद की ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।